गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फिनिशिंग ऑपरेशंस के बारे में कि हम किसी भी सरफेस के ऊपर फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं। इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन है, लैपिंग, होनिंग, पॉलिशिंग, बफिंग एंड सुपर फिनिशिंग। तो एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहले लैपिंग से स्टार्ट करते हैं कि लैपिंग का जो फिनिशिंग ऑपरेशन है वो कैसे है। तो लैपिंग में क्या है, लैपिंग इज़ अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच टू सरफेस आर रब टुगेदर विद एन एब्रेसिव बिटवीन देम। इसमें क्या होता है, जो दो सरफेस होती हैं वो दूसरे एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं। तो एक के ऊपर क्या होता है, एब्रेसिव मटेरियल लगा होता है और दूसरे के ऊपर प्लेन सरफेस होती है जिसको हमने रब करना है, जिसके ऊपर हमने लैपिंग करनी है। तो दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, एब्रेसिव एक्शन, एब्रेसिव बिटवीन देम बाय हैंड मूवमेंट और बाय वे ऑफ मशीन। हम हाथ से या फिर मशीन की मदद से दोनों सरफेस यानी कि सरफेस को लैपिंग की मदद से उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। इस मेन क्या है इसमें कि दो सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है, रब टुगेदर विद इन एब्रेसिव बिटवीन दोनों के उनके बीच में एब्रेसिव होता है और इससे हम हैंड मूवमेंट से या फिर मशीन की हेल्प से हम लैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी होनिंग। ये होनिंग हम इस्तेमाल करते हैं प्रिसीजन सरफेस के, प्रिसीजन यानी कि कोई भी सरफेस है वो बहुत ही प्रिसाइज सरफेस हो उसको बनाने के लिए हम होनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी सरफेस है उसको हम रब करेंगे अगेंस्ट एब्रेसिव स्टोन। एक एब्रेसिव स्टोन होता है जो कि हेल्प करता है फिनिशिंग में। तो ये इस होनिंग की मदद से हमें इम्प्रूव यानी कि इट इम्प्रूव सरफेस टेक्सचर, जो सरफेस है उसका टेक्सचर को इम्प्रूव करता है होनिंग। एब्रेसिव स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोक रिमूव फ्रॉम द इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट। इससे क्या होता है, बहुत ही स्मॉल सरफेस जो हमारी है माइक्रोन में, जैसे कि दिया हुआ है कि 25 to 95 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होनी चाहिए और 85 to 300 SF पर मिनट इसकी सरफेस फिनिश इतनी होती है इसकी 85 to 300 पर मिनट में, और 25 to 95 मीटर पर मिनट इसकी जो है यानी कि फिनिशिंग करने की इसकी स्पीड है। ये लो स्पीड ऑपरेशन होता है बिल्कुल ही, और सरफेस ये बहुत ही यानी कि टेक्सचर देता है किसी भी सरफेस में होनिंग। उसके बाद आता है हमारा सुपर फिनिशिंग। सुपर फिनिशिंग एक हाई क्लास की सरफेस फिनिश होती है। इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो एट लो स्पीड पे हम उसको साफ़ करते हैं। जितनी भी हमारी फिनिशिंग सरफेस है सभी हम क्या करते हैं, जो भी जिसके ऊपर जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो बिल्कुल ही मतलब लो स्पीड में चलते हैं, लो यूनिट कम प्रेशर लगाते हैं सरफेस पे, लो स्पीड होती है और मल्टी मोशन होते हैं उनके। प्रॉपर लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं हम सुपर फिनिशिंग में। सुपर फिनिशिंग एक हाईएस्ट हाई यानी कि हाई क्लास की सरफेस फिनिश है सुपर फिनिशिंग। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये सुपर फिनिशिंग की हुई है इसकी गियर की, ये बिल्कुल जैसे कि चमक रहा है यानी कि इसकी सुपर फिनिशिंग की हुई है। ये हाई क्लास सबसे हाईएस्ट क्लास है सुपर फिनिशिंग। और उसके बाद बफिंग और पॉलिशिंग के बारे में देख लेते हैं। बफिंग क्या होता है, बफिंग भी एक फिनिशिंग ऑपरेशन है सिमिलर टू पॉलिशिंग। जैसे पॉलिशिंग है वैसे ही बफिंग होती है, पर बफिंग में एक क्या मेन डिफरेंस है, एब्रेसिव ग्रेन्स जो होते हैं वो यानी कि व्हील से चिपके नहीं होते, आर नॉट ग्लू टू द व्हील यानी कि व्हील से चिपके नहीं होते, बट आर कॉन्टेंट इन ए बफिंग कंपाउंड। एक कंपाउंड होता है जिसको हम बफिंग कंपाउंड बोलते हैं, दैट इज़ प्रेस इनटू द आउटसाइड सरफेस ऑफ द बफिंग व्हील व्हाइल रोटेट। तो वो क्या करते हैं, वो प्रेस करते हैं आउटसाइड सरफेस को जब बफिंग जो व्हील होता है वो रोटेट करता है। बफिंग व्हील भी दिखाएंगे, बफिंग व्हील रोटेट करता है तो उसके साथ वो प्रेस करके मटेरियल रिमूव करते हैं बफिंग में। और पॉलिशिंग में क्या है, जो पॉलिशिंग है उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो पीरियडिकली रिप्लेनिश होते रहते हैं, यानी कि जब हमने एक बार पॉलिशिंग करते जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। एज इन पॉलिशिंग बफिंग इज़ यूजली डन मैनुअली, यानी कि जो बफिंग है वो मैनुअली हम यानी कि अपने हाथ से करते हैं बफिंग। ऑल तो मशीन हैव बीन डिज़ाइन टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑटोमेटिकली, वैसे मशीन भी बनाई गई है इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए। तो बफिंग ये देखिए, ये पॉलिशिंग, पॉलिशिंग इसके ऊपर जो ये जो पॉलिशिंग जो गाड़ी की पॉलिशिंग कर रहा है इसके ऊपर क्या होता है, ये एब्रेसिव ग्रेन यहाँ से इसके ऊपर से निकलने शुरू हो जाते हैं और इसको जो सरफेस है उसको पॉलिश किया जाता है। इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पॉलिशिंग और पफिंग में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये प्लेन स्क्रू है जो हमारा
बोल्ट है, ये प्लेन है, और ये देखिए इसमें क्या होगा, बफिंग की वजह बफिंग से ये थोड़ी छोटी छोटी इसमें लाइन आपको दिख रही है, और पॉलिशिंग में यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं दिख रही, बिल्कुल ही पॉलिशिंग कर दिया, यानी कि इस लाइन को बिल्कुल यहाँ पे मिट इन्होंने इरेज कर दिया। तो ये डिफरेंस बिटवीन प्लेन में बफिंग में और एक पॉलिशिंग में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ये थे हमारे फिनिशिंग ऑपरेशन।